सो ये है Realme 10 Pro Plus 25,000 रुपए में कर्व डिस्प्ले दी है Realme ने इस फोन में, विच इज ग्रेट। सबसे सस्ता कर्व डिस्प्ले वाला फोन है, डिजाइन भी यहाँ पर जो है वो काफी अच्छा है, कैमरा में भी कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स है। एंड आज इसी फोन का क्विक रिव्यू करते हैं, जानते हैं कि भाई ये फोन कैसा है, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, तो Realme के दूसरे फोन से दिखने में बिल्कुल अलग है, नए डिजाइन के साथ इस फोन में Realme गया है। बैक पैनल को आप देखोगे ना तो एक ग्लिटर करता है, चमकता है, लाइट जब इस पर पड़ेगी तो पैनल अलग अलग कलर्स रिफ्लेक्ट करता है एंड प्रिज्म इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। नीचे की साइड में थोड़ा सा गोल्डिश कलर है एंड ऊपर की तरफ सिल्वरिश है, बट ये कलर जो वो शिफ्ट होता रहता है, इट लुक्स गुड। वैसे बैक पर ग्लास इन्होंने यूज नहीं किया, प्लास्टिक बैक है। कैमरा मॉड्यूल में भी इस बार मतलब थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे दो राउंड कटआउट्स दिए गए। Realme के लिए थोड़ा नया डिजाइन है, एल्स Huawei दूसरे फोन्स में हम ये पहले डिजाइन देख चुके हैं, बट ओवरऑल इट लुक्स ब्यूटीफुल। और एक बात और कि फोन काफी स्लिम भी है, 7.8 mm की थिकनेस है यहाँ पे एंड 173 ग्राम जो वो इसका वेट है। सो भले ही फोन थोड़ा टॉल भी दिखता हो, बट एक हाथ से आप इसको कंफर्टेबली होल्ड कर पाओगे। इस रेंज में आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन मतलब 2022 का। डिस्प्ले की बात करें तो ये इसका यूएसपी है, कर्व डिस्प्ले यहाँ पर दी है जो कि इस प्राइस रेंज पे यार हमें देखने को नहीं मिलती। एंड प्रॉपर 61 डिग्री कर्व डिस्प्ले है, ऐसा नहीं है कि बस कहने के लिए इन्होंने ना एडजस्ट को कर्व कर दिया हो, इट्स अ प्रॉपर कर्व डिस्प्ले एंड इट लुक्स ग्रेट। ऑल्सो डिस्प्ले भी इस बार बड़ी है, 6.7 इंच का एमोलेड पैनल है। Realme 9 Pro Plus में 6.4 इंच की डिस्प्ले थी, सो कर्व के साथ साथ यहाँ पर डिस्प्ले साइज भी इन्होंने जो इस बार बढ़ा दिया है। सिमिलरली 120Hz रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, 10 बिट कलर डेप्थ है एंड HDR 10 प्लस सपोर्ट भी है। सो एक बढ़िया डिस्प्ले है स्पेक्स वाइज एंड यूज करते हुए भी एक्सीडेंटल टच वाला इशू मैंने फेस नहीं किया इसको यूज करते हुए। कर्व डिस्प्ले पर अक्सर ये इशू आ जाता है, बट यहां पर ऐसा नहीं दिखा। ऑल्सो सेल्फी का जो कैमरा कटआउट है सेल्फी के लिए वो भी अब सेंटर में आ गया, Realme के मिड रेंज फोन में आपने देखा होगा कि साइड में होता था, बट दे हैव मूव्ड इट टू द सेंटर। इस डिस्प्ले को वैसे अगर आप क्लोजली देखोगे ना गौर से तो ऐसी लगेगी जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी फोन में डिस्प्ले आती थी पहले, लाइक S9 एंड S10 में। माइनर से बेजल्स आपको साइड में दिखेंगे ना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, एल्स इट लुक्स ग्रेट। कैमरा में भी यहाँ पे अपग्रेड है, 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मैंने कुछ फोटोज वैसे से लिए, अच्छे शॉट्स आ रहे हैं, आप देखो उसको। बहुत ज्यादा वैसे टेस्ट नहीं किया है, इसके फुल रिव्यू में करूंगा। सो प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का एंड एक 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस है, तीसरा कैमरा बेसिक 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो सेंसर है जो अक्सर हमें फोन्स में मिलता है। दो कटआउट्स हैं यहाँ पे, नीचे वाले कटआउट पे दो कैमराज हैं। ये फोन बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल फोटोज क्लिक करता है एंड 108 मेगापिक्सल के अलग से एक ऑप्शन है यहाँ पे एंड 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps एंड सेल्फी के लिए यहाँ पर है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। प्रोसेसर को अगर देखें तो Dimensity 1080 यहाँ पर दिया गया है, पहला फोन है जो इस प्रोसेसर के साथ आ रहा है। Dimensity 1080 बेसिकली 920 का एक इम्प्रूव वर्जन है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप यहाँ ना करें। स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है, पावर एफिशिएंट है, मैंने ज्यादा इसको वैसे यूज नहीं किया, बट जितना भी इसको टेस्ट किया तो कोई लैग या स्टटर शुरू में मुझे देखने को नहीं मिला। एंड्रॉइड 13 यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे मिल रहा है, दैट्स ग्रेट विद Realme UI 4 ऑन टॉप। बट यार ये जो ब्लोटवेयर्स है ना, मतलब इनको मत दिया करो भाई फोन में, इनकी क्या जरूरत पड़ती है, अगर नहीं दोगे तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बट कंपनियां मानती नहीं है, मतलब क्या करें। वैसे इसका 6GB 128GB वेरिएंट 25,000 रुपए का है, इस पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी है तो अराउंड 24 में आपको मिल सकता है एंड 8GB जो 128GB वेरिएंट है वो 26,000 में आता है। 5,000 mAh की यहाँ पे बैटरी है, 67W फास्ट चार्ज सपोर्ट भी है, 50 मिनट में 0 से 100% फोन चार्ज हो जाता है एंड 1.5 दिन का बैकअप आपको मतलब इजिली इस फोन में मिल जाएगा। सो ये था Realme 10 Pro Plus। Realme ने कोशिश यहाँ पे की है कि कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी जाए, 23-24,000 रुपए में फोन लुक्स ग्रेट, बट कोई भी फोन यार परफेक्ट नहीं होता। जब इसको कंपेयर करूंगा दूसरे फोन से तब इसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिटेल में बात करूंगा आपसे। अभी आप बताएं कि इस प्राइस रेंज में आपको ये फोन कैसा लगा, क्या कमी यहां पर रह गई एंड क्या अच्छा लगा इस फोन में आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसके फुल रिव्यू के साथ मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।